हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने द इम्पैक्ट ऑफ एक्सप्लोरेशंस एंड डिस्कवरीज स्टार्ट किया था एंड उस वीडियो में हमने जाना था कैसे डार्क एज के बाद से यूरोप में फिर से डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। पीरियड ऑफ रिनासा देखा हमने कि जो पुनर्जागरण टाइम है वो कैसे स्टार्ट हुआ था, क्या क्या डेवलपमेंट होने लगे थे और वहाँ के किंग और क्वीन जो भी शासक थे वो कैसे एक्सप्लोरर्स को अदर कंट्रीज में भेजते थे। तो इन सब के बारे में जाना हमने, बैकग्राउंड भी जाना कि कैसे स्टार्ट हुआ था। देन इसके बाद बैकग्राउंड के बाद हमने कुछ नाम देखे जिसमें हमने नॉर्समैन का नाम देखा था, नॉर्समैन जिन्होंने किसकी खोज की थी, आइसलैंड की खोज की थी। यहाँ पर हमने एक नाम और देखा था पीटर एस्पियन का। पीटर एस्पियन ने क्या बताया था, उन्होंने हार्ट शेप मैप दिया था। देन इसके बाद हमने वोल्सी मूलर का नाम देखा था। वोल्सी मूलर ने क्या किया था, पहली बार नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को मैप पर प्रदर्शित किया था। देन हमने मर्केटर का नाम देखा था, मर्केटर प्रोजेक्शन के बारे में देखा था। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर मार्को पोलो से स्टार्ट करेंगे, मार्को पोलो, कोलंबस, वास्को डी गामा, जेम्स कुक एंड मैगलेन, इन पांचों के बारे में जानेंगे कि इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। बात करें मार्को पोलो की, इनका जन्म 1254 एडी में माना जाता है और ये 13 सेंचुरी के क्या थे, ग्रेट ट्रैवलर थे। तो ये 13 सेंचुरी के ट्रैवलर हैं और ये एक शाही फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके पिताजी जिनका नाम क्या है यहाँ पर, निकोलो पोलो एंड इनके अंकल मैफियो पोलो। तो इनके साथ इन्होंने कंपनी ज्वाइन की थी, मतलब जब उनके पिताजी और चाचा जर्ने के लिए निकले, यात्रा के लिए निकले थे, तो वो भी 6 साल के थे उस टाइम, तो वो भी उनके साथ गए थे। और यात्रा कहाँ के लिए स्टार्ट की थी उन्होंने, कुबलई खान जो कि एक मंगोल लीडर था। किसका पोता था, चंगेज़ खान, आपने इतिहास में नाम पढ़ा होगा, तो चंगेज़ खान का ये पोता था, एक मंगोल लीडर था। तो उसके उस वहाँ उसके लिए मतलब उसके पास जाने के लिए इनके पिताजी निकोलो पोलो मैफियो पोलो ने जर्नी स्टार्ट की थी। तो क्या क्या रूट अपनाया था वो मैप की हेल्प से हम देख लेते हैं। तो ये मार्को पोलो का ट्रैवल है, ये कहाँ से इन्होंने अपनी ट्रैवल स्टार्ट की थी, इटली के विनाइस से। तो यहाँ पर क्या है, ये विनाइस के रहने वाले थे, तो यहाँ से इनकी यात्रा शुरू होती है। देन वो मेडिटेरेनियन सी से होते होते यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी से फिर वो जेरूसलम जाते हैं। जेरूसलम पहुँचने के बाद फिर इनकी जो रास्ता है वो यहाँ से कैसे बदलता है, ईरान होते हुए, ये यहाँ से ईरान, यहाँ से क्या है वो पहले पर्शियन गल्फ़ भी जाते हैं लेकिन यहाँ पर होर्मुज तक नहीं जा पाते, तो ये फिर लैंड रूट से जाते हैं। ईरान से होते हुए फिर वो हिंदू कुश के रास्ते से, हिंदू कुश से फिर ये पामीर वाले पठार से होते हुए यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ पर इंडिया वाले पार्ट को टच नहीं करते, सिर्फ ये पाकिस्तान जो कि पहले इंडिया में आता था उसके कुछ पार्ट को ही टच करके निकलते हैं। देन इसके बाद टकलम मकान डेजर्ट से होते हुए ये फिर यहाँ पर सुजाऊ और यहाँ पर फिर फाइनली जाते हैं जहाँ पर मंगोल लीडर कुबलई खान के पास। तो कुबलई खान एक मंगोल लीडर था, किसका पोता था वो, चंगेज़ खान का। तो उसके पास ये काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। टाइम स्पेंड करने के बाद वहाँ पर चीन, पहले देखिए चाइना जो है पहले दो पार्ट में बटा हुआ था, एक नाम था कैथई और एक नाम था मैंजई या मैंगी भी बोलते हैं इसको, प्रोनंसिएशन दोनों होती हैं इसकी। तो ये क्या था, ये नॉर्थ चाइना था, नॉर्थ चाइना वाला पार्ट, एंड ये जो था मंजी या मंगी ये क्या था, साउथ चाइना वाला पार्ट था। इवन मार्को पोलो दोनों पार्ट में विजिट किया था, नॉर्थ जो चाइना वाला पार्ट है कैथी उसमें भी ये क्या है विजिट किया था। तो वहाँ रुकने के बाद फिर ये जो इसके कुबलई खान का जो बेटा था उसके साथ फिर ये ट्रैवल स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ से फिर ये इस वाले रूट को अपनाते हैं, यहाँ चाइना में घूमने के बाद देन फिर वो यहाँ से रूट अपनाते हैं क्वांगझाओ से शिप लेते हैं और साउथ चाइना सी होते हुए देन फिर इसके बाद यहाँ पर मलाया पेनिनसुला से निकलते हुए सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया का पार्ट है, यहाँ से होते हुए ये फिर निकोबार आइलैंड जो कि इंडिया का पार्ट है, निकोबार आइलैंड से होते हुए सैलोन,
जो कि प्रेजेंट में नाम क्या है श्रीलंका, वहाँ से होते हुए वेस्टर्न कोस्ट को भी टच करते हुए ये निकलते हैं और यहाँ से हॉर्मुज से निकलते हुए ये फिर फाइनली पहुँच जाते हैं कहाँ पर, विनाइस पर, जहाँ से वो निकले थे वहीं पर ये चले जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि वहाँ पर युद्ध चलता है किसके बीच में, जो इटली के दो शहर हैं विनाइस एंड जेनेवा, वहाँ पर फिर इनको क्या है मार्को पोलो को बंदी बना लिया जाता है। बंदी बनाने के बाद इनको जेल में डाल दिया जाता है। तो जेल में डालने के बाद वो जो फ्रेंच की एक बुक है उसको डिक्टेट करते हैं, उस बुक का नाम क्या है बुक ऑफ वेरियस एंटरप्राइजेज। तो ये इस बुक को क्या है ही डिक्टेटेड इन फ्रेंच, अपनी बुक को फ्रेंच में डिक्टेट कर देते हैं बुक ऑफ वेरियस एंटरप्राइजेज को। तो इस नाम को आप याद रखना है, बुक जितनी भी आए तो वो नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद इनकी एक बुक और थी इल मिलियन, जिसको द मिलियन भी बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। तो ये भी इनकी बुक है, ये दोनों बुक के नाम याद रखने, बुक ऑफ वेरियस एंटरप्राइजेज एंड इल मिलियन, ये दोनों बुक के नाम आपको याद रखने हैं। तो दो सेंचुरी के बाद जब मार्को पोलो गुजर जाते हैं, इसके बाद फिर क्या है क्रिस्टोफर कोलंबस आते हैं और वो अटलांटिक वाले रास्ते से होते हुए वो नई दुनिया की खोज में निकलते हैं। और उन्होंने भी क्या है अपनी बुक में किसका जिक्र किया है, जो कोलंबस है उन्होंने भी मार्को पोलो की बुक का जिक्र किया है, और इवन अपने साथ जब वो यात्रा पर निकले थे तो मार्को पोलो की बुक को साथ लेकर निकले थे। तो ये मार्को पोलो का रूट है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट मार्को पोलो। तो मार्को पोलो का क्या योगदान है, वो कहाँ के रहने वाले थे, इनकी बुक्स का नाम, ये सब आपको याद रखना है।